क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज दोस्तों हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कंपनीज एक्ट की शुरुआत। सब जानते हैं कंपनीज एक्ट 1956 अब खत्म हो चुका है, नया एक्ट आ गया है कंपनीज एक्ट 2013, राइट। और इस एक्ट के आने के बाद कंपनी लॉ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारे ऑपरेशनल चेंजेस आए, मगर काफी सारा ऐसा पार्ट भी है जो सेम भी है, राइट। कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसी कई चीजें आएंगी जो हमारे काम करने के तरीकों को और बेहतर बना देंगी, यानी ये नया एक्ट आपके लिए बेहतरी का समय लेकर आया है। कंपनीज एक्ट 1956 में जो भी मुश्किलें थी, जो भी कमियां थी, उन सब कमियों को पीछे छोड़ते हुए ये कंपनीज एक्ट 2013 आपके लिए सामने है आपके, ठीक है जी। इस एक्ट की शुरुआत करते हैं और ये है आपका द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी। आइए बेसिक चीजों को ध्यान करें, जिन चीजों के बारे में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि कंपनी क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉमर्स के बचपन से, 11th 12th में आपने इसके बारे में पढ़ा कि कंपनी क्या होती है, और कुछ चीजें आपको याद भी होंगी और कुछ चीजें नहीं भी होंगी, मान लिया। बट जो बेसिक कुछ चीजें आपको वहां कराई गई वो आज भी काम की है, ठीक है। मैं कुछ बात करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कंपनी जब बनाई जाती है तो मकसद क्या होता है। हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले भी सीखा हुआ है, कोई एक पर्सन सोल प्रोपराइटरशिप चलाता है, सोल प्रोपराइटरशिप में वो लिमिटेड कैपिटल लगा पाता है, कम लोग हैं उसके साथ, अकेला वो मालिक है, प्रॉफिट भी अकेला, रिस्क भी उसी का। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है उसे लगता है और लोगों की और कैपिटल की जरूरत है, हो सकता है वो और पार्टनर्स ढूंढ ले, ठीक बात है कि नहीं। पार्टनर्स आ जाएंगे भाई, पार्टनर आएंगे तो मालिक ऐड होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा, कैपिटल लेकिन बढ़ेगी, प्रॉफिट और बढ़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सोल प्रोपराइटर से पार्टनरशिप की तरफ आपने और बड़ा बिजनेस करना है तो भाई आप सोचोगे क्यों ना कंपनी बना ली जाए, ठीक बात है कि नहीं। कंपनी प्राइवेट पब्लिक हो सकती है, ठीक है कि नहीं। बड़ा बिजनेस करना है प्राइवेट कंपनी बना ली, और बड़ा बिजनेस करना है पब्लिक से पैसा उठाना है, ह्यूज मनी चाहिए तो भाई पब्लिक कंपनी बना ली। कुछ ऐसे ही ख्वाब लेकर एक सोल प्रोपराइटर जिसका शूज का बिजनेस था, किसका बिजनेस था, उसका बिजनेस था दोस्तों शूज का, कुछ ऐसे ही ख्वाब लेकर उसने कहा यार मैं आज इस कंपनी का अकेला, इस प्रोपराइटरशिप का अकेला मालिक हूं, इस बिजनेस का अकेला मालिक हूं। अब इस पर्टिकुलर बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो सारा का सारा प्रॉफिट मेरा है भाई, सीधी सीधी बात है, रिस्क भी मेरा है, ठीक बात है या नहीं, रिस्क भी मेरा और प्रॉफिट भी मेरा, तो क्यों ना मैं अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस को थोड़ा सा और बढ़ा लूं, उसने सोचा, और इस बिजनेस के मालिक ने अब यह तय कर लिया कि वो अपनी सोल प्रोपराइटरशिप के इस बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करेगा, कंपनी में। अब भाई इस सोल प्रोपराइटर का नाम था मिस्टर सैलोमन, क्या नाम था, मिस्टर सैलोमन। अब सैलोमन ने सोचा भाई मेरे इस बिजनेस में
मेरे इस बिजनेस की बैलेंस शीट में तो भाई एसेट्स भी हैं, कैपिटल भी है, लायबिलिटी भी है, ठीक है या नहीं? इस बैलेंस शीट में उसके पास लायबिलिटीज भी हैं, कुछ एसेट्स भी हैं, उसकी कैपिटल भी होगी, जाहिर सी बात है, कुछ उसके क्रेडिटर्स रहे होंगे, उसके एसेट्स रहे होंगे लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है जी, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ऐसे बहुत सारे एसेट्स रहे होंगे भाई, यानी इसका बिजनेस भी अपने लेवल पर चल रहा था। अब जब सोल प्रोपराइटरशिप की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस और बिजनेस का मालिक देखा जाए तो एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। मैं अकाउंटिंग के नजरिए से बात नहीं कर रहा, अकाउंटिंग करते वक्त तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग है, एंड वी ऑलवेज मेक अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन। ये बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, लॉ के हिसाब से देखा जाए, तो भाई इसका बिजनेस जो है इन दोनों में और इसके मालिक में कोई अंतर तो नहीं है ना, बोथ आर वन एंड द सेम। क्या ये बात ठीक है? नहीं, दोनों सेम थे। लेकिन अब क्योंकि सैलोमन चाहता है कि भाई कोई ना कोई कंपनी बनाई जाए और उसने सोचा कि मैं एक पब्लिक कंपनी बना लेता हूं। कैसी कंपनी बना लेता हूं? पब्लिक कंपनी। बड़ा बिजनेस करने का ख्वाब है भैया, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोच थी उसकी। अब पब्लिक कंपनी अगर उसने बनानी है, हम सब जानते हैं कि पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है। क्या ये बात ठीक है या नहीं? सबसे पहले तो मेंबर्स आने चाहिए और 7 मेंबर्स की जरूरत। किस्मत का कितना धनी देखो ये, कि इसके 7 के 7 मेंबर्स इसके घर से ही निकल आए। 7 के 7 मेंबर्स इसके घर से निकल आए। वो कैसे निकले? एक तो ये खुद, एक तो भाई मिस्टर सैलोमन, एक मेंबर इसकी वाइफ बन गई, एक इसकी डॉटर बन गई मेंबर, और 4 थे इसके बेटे। 7 मेंबर भैया घर से ही निकल आए, और इन मिनिमम 7 मेंबर्स को लेकर के उसने क्या किया? उसने अपनी कंपनी बना डाली। कंपनी को बनाने के लिए आप ये जानते हैं कि आपको 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं और उस कंपनी का रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है ना? वही पुरानी बात है। तो पब्लिक कंपनी का जब इसने रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है जी, उसमें 7 मेंबर्स ने साइन किए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया गया। आने वाले समय में इसकी और डिटेल में बातचीत होगी ये क्या होते हैं, हालांकि आप ये बातें कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। फिर एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया होगा, ठीक है ना? मेमोरेंडम के अंदर कुछ क्लॉजेस होते हैं, AOA यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सब बना लिए और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। कंपनी का नाम रखा सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या नाम रखा? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब भैया ये कंपनी बनाई तो गई, इसमें पैसा भी लगाएंगे, कौन? सैलोमन, वाइफ, उसकी डॉटर, 4 सन्स। अब सवाल ये आया कि ये कंपनी जो बनाई है क्यों बनाई थी? ये इसलिए बनाई थी कि ये कंपनी जब बनाई जाएगी, ये कंपनी मिस्टर सैलोमन के इस सोल प्रोपराइटर वाले बिजनेस को खरीद लेगी, ठीक बात है कि नहीं?
और ये वाला बिजनेस अब कौन करेगा? वो सैलोमन अकेला नहीं करेगा सोल प्रोपराइटर के रूप में, कौन करेगी? ये कंपनी करेगी। तो भाई जाहिर सी बात थी, सैलोमन एंड कंपनी ने अपना जो बिजनेस चलाना था, कोई नया बिजनेस नहीं शुरू किया। उसने कहा भैया ये चला चलाया बिजनेस अपना परचेज कर लो और इसको चलाओ। तो सैलोमन एंड कंपनी ने क्या किया, इस मिस्टर सैलोमन के इस सोल प्रोपराइटर वाले बिजनेस को परचेज कर लिया, परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर सैलोमन। ठीक है जी, मिस्टर सैलोमन के इस बिजनेस को इन्होंने परचेज कर लिया, और परचेज करने के लिए भैया पैसा भी तो देना पड़ता है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल पैसा देना पड़ता है। हमने ये बातें पढ़ी हुई हैं कि जब हम किसी को परचेज करते हैं किसी बिजनेस को, तो उसके सारे एसेट्स किसके हो जाएंगे? सैलोमन एंड कंपनी के सारे क्रेडिटर्स की। अब ये पेमेंट भी किसे करनी पड़ेगी? सैलोमन एंड कंपनी को। और इस पूरी की पूरी कंपनी में जिसने अपना पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में, वो कौन है मेरे भाई? वो है मिस्टर सैलोमन। तो ये जो इस बिजनेस को परचेज करने के लिए कंसिडरेशन देनी है, वो कंसिडरेशन भी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? यस। तो भैया कंसिडरेशन तय हो गई। सोचाइए कि हमने जो इसको कंसिडरेशन पे करनी है, वो कैसे करें और कितनी करें? पे करने का तरीका बड़ा आसान, या तो भैया कैश दे दो, या इसे कहो हम तुम्हें अपनी ही कंपनी के शेयर्स दे देंगे, ठीक है कि नहीं, या हम तुम्हें अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स दे देंगे। तो बात यह तय हुई कि कुछ तो भैया इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, कुछ सिक्योर्ड डिबेंचर्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं आपका, और कुछ दे दिया जाएगा कैश। तो जो भी परचेज कंसिडरेशन तय हुई, उस परचेज कंसिडरेशन की जो पेमेंट थी वो निकाली गई। इंडिया का केस तो है नहीं भाई, ब्रिटिश केस है, पाउंड में इसका अमाउंट आया। तो जी अमाउंट जब पे किया गया 38,782, कितना अमाउंट? 38,782, 38,782 पाउंड। ये एक परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट निकाला गया, इस पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन इतने पाउंड पे किया गया, और कहा आ जाओ जी हम आपको पाउंड वन ईच का क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर। यानी टोटल कितने दे दिए? 20,000 उन्होंने कहा जी हम आपको अपने शेयर्स देंगे। एक शेयर कितने का होगा? पाउंड वन का। तो ये है पाउंड वन ईच, कितने हो गए? 20,000 शेयर्स ऑफ पाउंड वन ईच। और कहा जी 10,000 पाउंड के आपको हम क्या देंगे? अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स देंगे। और बचा हुआ अमाउंट 8782 जो है वो आपको कैश दिया जाएगा। यानी अब जो बिजनेस सैलोमन का था, वो सारा का सारा बिजनेस किसका हो गया मेरे दोस्तों? इस कंपनी का, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। यानी सैलोमन ने अपने इस बिजनेस को बेच दिया, अब सैलोमन की एंटिटी, सैलोमन का राइट जो इस बिजनेस पर था वो खत्म हो गया। अब वो सारा का सारा राइट किसका आ गया दोस्तों? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। ठीक है जी, यानी ये सारे के सारे एसेट्स इसके, लायबिलिटीज इसकी, बिजनेस को रन भी कौन करेगा? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। यानी इस बिजनेस की न्यू ओनर कौन बन गई? न्यू ओनर ऑफ बिजनेस, न्यू ओनर ऑफ बिजनेस अब ये बन गई है सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या ये बात समझ में आ गई?
सेलमन एंड कंपनी लिमिटेड इस बिजनेस की अब न्यू ओनर बन गई। सारे बिजनेस को रन भी किसने करना है? सेलमन एंड कंपनी ने। अब सेलमन एंड कंपनी जब बिजनेस को चलाएगी तो उसको चलाना कैसे भाई? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्या ये बात हम जानते हैं कि नहीं? तो भाई जो कंपनी है, कंपनी कोई हमारी तरह, क्या कंपनी हमारी तरह नेचुरल पर्सन होती है? नो। तो भाई सेलमन एंड कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, ये एक क्या है? ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो ये काम कर नहीं सकती। बोलो हां या ना। तो भैया अब जो इस कंपनी के मेंबर्स बने थे उन्हीं में से कोई ना कोई इस कंपनी को चलाएगा, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए नेचुरल पर्संस की जरूरत होती है। अब सेलमन ने क्या किया? उसने कहा ठीक है भैया, इस कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स की जरूरत है और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में जो चाहिए वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 3। कितने? 3 मिनिमम डायरेक्टर्स आपको होने चाहिए आपके पास। अब ये 3 डायरेक्टर्स जो हैं ये कौन बने भैया? एक तो सेलमन खुद बन गया, ठीक है जी। एक उसका बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 1 जो था उसको बना दिया डायरेक्टर, खुद बन गए एमडी। और एक डायरेक्टर बना लिया बेटा नंबर 2 को, ठीक है जी। तो भैया डायरेक्टर भी बन गए, बिजनेस चलाने के लिए नेचुरल पर्संस की जरूरत होती है, वो नेचुरल पर्संस भी आ गए, दिक्कत का काम खत्म हो गया। इन्हीं सन्स में से 2 बेटों को उसने अपना कंपनी का डायरेक्टर बनाया और कंपनी चलाई गई। बिजनेस चलने लगा, लेकिन पता क्या लगा भैया कि अब बिजनेस के अंदर नुकसान होना शुरू हो गया, बिजनेस के अंदर लॉसेस आने शुरू हो गए। पता लगा कंपनी को अब अपनी क्रेडिटर्स की पेमेंट तो कर सकते नहीं है, बिजनेस चल नहीं रहा, किया क्या जाए। बहुत ही जल्दी अब कंपनी का लिक्विडेशन हो गया। क्या हो गया कंपनी का? लिक्विडेशन। अब कंपनी वेंट इनटू लॉसेस। बहुत जल्दी ऐसा हुआ कुछ कि लॉसेस आने शुरू हो गए अचानक से, और कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, यानी अब कंपनी बंद करनी पड़ी, कंपनी बंद करने की कगार पर आ गई, कंपनी के सारे एसेट्स बेचने पड़ेंगे और उन्हें बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे सबकी जो बचा होगा उससे पेमेंट की जाएगी। तो भैया ये बात तो हो गई तय, ठीक है, कि अब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, कंपनी के लिक्विडेटर्स अपॉइंट हो गए, ठीक है जी। तो सवाल ये आता है कि अब भैया आज कंपनी के लिक्विडेटर मान लो अपॉइंट हो गए हैं, अब क्या होगा? लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाने के बाद लिक्विडेटर्स आएंगे और कंपनी के एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे और उसका बेचने के बाद पैसा निकालेंगे और पेमेंट करेंगे, यही उनका काम था। तो अब क्या किया गया? कहा गया भैया कंपनी का तो बज गया है बैंड, कंपनी की हालत है बुरी, इतनी बुरी कि जो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जो एसेट्स की वैल्यू आई, एसेट्स की जो वैल्यू निकली, वो पता लगा भैया एसेट्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पाउंड 6050 निकल के आई।
कि भैया इतने एसेट बचे हैं बस, और कुछ नहीं बचा इस कंपनी में, सोच लो जो करना है देख लो। तो अब किया क्या जाए भाई? लिक्विडेटर्स ने बोला हमारे लिए तो भैया स्कीम बिल्कुल तय है जो हमने करना है। हमारा सिस्टम तो यह कहता है कि जो पेमेंट की जाती है, पेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जो पेमेंट की जाती है इज डन एज फॉलोज। उन्होंने कहा जी हमारा तरीका तो साफ है बिल्कुल, हमारे लिए कोई इशू नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, हमने तो एक ही तरीका लगाना है। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे, फिर जो बचेगा उसे हम इक्विटी में बांट देंगे, क्योंकि यहां पर कोई प्रेफरेंस टाइप के शेयर्स हैं नहीं। तो भैया ये है हमारा तरीका। लिक्विडेटर्स ने तो साफ बात कह दी और कहा ठीक है भाई, अब जरा बताओ आज की डेट में जब बैलेंस शीट की बात करें तो बताओ कौन कौन बैठा है पैसा लेने। तो पता लगा भैया सिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में मिस्टर सैलोमन बैठे हैं, ठीक है जी, बाकी भी शेयर होल्डर थे और इक्विटी शेयर उनके पास भी थे, सबको एक एक शेयर दे दिया था इसने, ठीक है कि नहीं? सैलोमन ने सबको एक एक शेयर दे दिया था क्योंकि हर मेंबर के पास एक शेयर खरीदना जरूरी है। लेकिन सैलोमन ही एक अकेला ऐसा था जिसके पास बचे हुए सारे के सारे शेयर थे और वो डिबेंचर होल्डर भी था, यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर था कंपनी का। तो भाई सैलोमन के पास 10,000 पाउंड के क्या बचे थे? क्रेडिटर उसके नाम के कि मैं जी डिबेंचर होल्डर हूं, और 8,000 पाउंड के क्रेडिटर थे अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड बाहर के कुछ क्रेडिटर थे जिनसे उधार वगैरह लिया हुआ था, वो भी बैठे हुए थे भाई 8,000 हमें मिलने। इक्विटी शेयर की बात करें तो सैलोमन के अलावा उसके पूरे अपने घर वालों को एक एक शेयर मिला हुआ था, तो इन सब के पास सैलोमन एंड फैमिली के पास क्या थे? इक्विटी शेयर्स थे। अब भैया क्रेडिटर्स ने कहा हमें पैसा दो। किसने? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने। कहते हैं जी लाओ ये पैसा निकाल के हमें दो फटाफट से। लिक्विडेटर ने कहा भैया रुक जाओ, हमारा सिस्टम तुमने सुना नहीं, हमने पहले ही कह दिया कि भैया पहले सारा का सारा पैसा जितना मौजूद है उससे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी, और हमारे हिसाब से तो 10,000 पाउंड मिस्टर सैलोमन की तरफ हैं, उसको देने हमने, और क्योंकि वो कंपनी का कौन है? सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर, और हमारे पास क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6,050 पाउंड बचे हैं, इसीलिए हम तो ये सारा का सारा पैसा किसको देंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बिल्कुल भी नहीं, सारा का सारा पैसा सैलोमन को दे देंगे। तो उन्होंने कहा भैया ये तो सारा का सारा पैसा सैलोमन को मिल जाना चाहिए, हालांकि सैलोमन को 10,000 पाउंड मिलने चाहिए थे। अगर मेरे पास 10,000 पाउंड होते तो लिक्विडेटर्स ने बोला ये पैसा तो भैया सारा का सारा सैलोमन को चला जाता, लेकिन अब हमारे पास और पैसा तो है नहीं, तो मिस्टर सैलोमन आप ये 6,050 रुपए रखो, पाउंड रखो, और खुश रहो, और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। क्रेडिटर्स ने शोर मचा दिया कि ये क्या बात है जी, सैलोमन और सैलोमन की कंपनी में क्या अंतर, ये तो दोनों एक ही हैं, सारी की सारी फैमिली ये बिजनेस कर रही है, और ये तो भैया एक तरह से खुद ही इस लॉस के जिम्मेदार है, कंपनी खुद चला रहे हैं भैया, लॉस भी इन्होंने किया तो नुकसान हमारा क्यों? इन लोगों से पहले तो हमें पैसा मिलना चाहिए।
और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कहा कि भैया ये पैसा हमें मिलना चाहिए। सैलोमन ने कहा जी नहीं नहीं, ये पैसा मुझे ही मिलना चाहिए, और सैलोमन ने केस दायर कर दिया कंपनी पर। सैलोमन ने इस कंपनी पर केस दायर कर दिया। क्रेडिटर शोर मचाते रह गए। सैलोमन ने जज साहब से जाके कहा, जज साहब कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों पूरी तरह अलग होते हैं, मुझ में और इस कंपनी में अंतर है। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, भले ही पैसा हमने लगाया है लेकिन कंपनी में और हम में तो अंतर है, तो ये पैसा तो मुझे मिलना चाहिए। ये बिजनेस मैं कर जरूर रहा हूं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर की कैपेसिटी में बिजनेस चला रहा हूं, मगर मैं कंपनी तो नहीं हूं ना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला जनाब कैसी बात कर रही है, 8,000 pounds हमारे बनते हैं, यही बिजनेस चला रहा है, यही अकेला इसका मालिक है एक तरह से, आप पैसा हमें दीजिए। जज साहब ने फैसला दिया, उन्होंने कहा कि मिस्टर सैलोमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है इस कंपनी की, जो सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी और कंपनी के मेंबर्स वो पूरी तरह से अलग होते हैं, कंपनी की एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, कंपनी एक नेचुरल तो नहीं मगर एक आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, इसीलिए कंपनी अपने नाम से केस भी दायर कर सकती है, कंपनी के खिलाफ भी केस दायर किया जा सकता है, यानी आर्टिफिशियल होने के साथ साथ कंपनी कैन सू और बी सूड इन इट्स ओन नेम। तो उन्होंने कहा भैया सबसे पहली तो यह बात सुन लो कि कंपनी के खिलाफ केस दायर भी कर सकते हैं, सैलोमन एक अलग व्यक्ति है, सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की। अब यह कहने के बाद उन्होंने कहा अगर कंपनी और सैलोमन में अंतर है, कंपनी और सैलोमन दोनों आपस में अलग हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि सैलोमन दो कैपेसिटी में इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। क्या वर्ड्स कहे मैंने? जज साहब ने क्या कहा कि सैलोमन जो है वो इस कंपनी से किस तरह से जुड़ा हुआ है, दो कैपेसिटीज में। पहली कैपेसिटी जो थी वो थी मेंबर की कैपेसिटी कि वो उसमें मेंबर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, और दूसरी कैपेसिटी जो है वो है इक्विटी शेयर होल्डर की। अब इन दोनों के जो लिक्विडेशन के पेमेंट के सारे सिस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली तो पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर को होनी चाहिए, और सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारा का सारा पैसा, क्योंकि वो कम पैसा अवेलेबल है, सारा पैसा किसको दे, सिक्योर्ड क्रेडिटर को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने पूछा जज साहब जरा मुझे यह बताइए कि मान लो कि ये 6,050 ना होता, ये अमाउंट 16,050 pounds होता। अब ये कहानी मैं अपने आप बना रहा हूं, ठीक है जी। मान लो क्रेडिटर ये बोलते हैं कि जज साहब ठीक है समझ गए जी हम कि ये पैसा सैलोमन को ही मिलना चाहिए, मान लो ये 16,050 होता तो क्या होता। सैलोमन खड़ा हो जाए, मान लो वो कहे जी होता क्या, पहले मेरे 10,000 मिलते फिर 6,050 में इक्विटी के बेसिस पर ले लेता। बताइए क्या ऐसा होता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिक्विडेशन का तरीका देख लो। अगर ये फॉर एग्जाम्पल 16,050 pounds होते तो 10,000 pounds पहले सैलोमन को मिलते किस कैपेसिटी में, क्रेडिटर की कैपेसिटी में, और बचे हुए 6,050 किसे मिल जाते, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिल जाते। क्या ये बात समझ में आई? तो भैया सीधी सीधी कहानी है, उस समय इस इक्विटी शेयर के बेसिस पर सैलोमन को एक भी पैसा
نہیں ملتا. کیا بات کلیئر ہوئی؟ تو اس پورے کے پورے ایگزامپل میں ہم نے سیکھا کیا ہے؟ آئیے دیکھیں, میں پوری کہانی دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. پوائنٹ وائز سیلومن کون تھا؟ ایک سول پراپرائٹر تھا, بزنس اس کا سول پراپرائٹر کا تھا. کس چیز کا بزنس تھا اس کا؟ شوز کا بزنس تھا. ٹھیک ہے جی. اس نے کیا سوچا کہ میں اپنے اس بزنس کو, کوئی نہ کوئی تو بیلنس شیٹ رہی ہوگی اس کی, کوئی نہ کوئی تو ایسٹ رہے ہوں گے. اس نے سوچا کہ میں اپنے ان ایسٹس کو, اپنے اس بزنس کو بیچ دیتا ہوں. کسے؟ ایک کمپنی کو بیچ دیتا ہوں. تو انہوں نے اپنے سارے کے سارے بزنس کو کیا کیا؟ بیچ دیا. کس کو؟ ایک نئی کمپنی بنا کر. اب کمپنی ایک سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ایک پبلک کمپنی کا رجسٹریشن کرایا. کیا 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 اس میں؟ ایم او اے بنایا, اے او اے بنایا, منیمم ممبرز کو لے کر آ گئے. منیمم ممبرز کے بعد انہوں نے اب یہ کہہ دیا کہ بھیا نیا اونر اس بزنس کا کون ہو گیا؟ سیلومن اینڈ کمپنی لمیٹڈ اس کی نئی اونر ہو گئی. اب اس کو چلانے کے لیے کون چاہیے؟ منیمم نمبر آف ڈائریکٹرز چاہیے. تین منیمم نمبر آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہی اس نے تینوں اپنے گھر سے ہی بنا لیے. پھر پتا لگا جی کمپنی کو تو لاس ہونا شروع ہو گیا, کمپنی کا لیکویڈیشن ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس دوران ایک کام ہم نے کیا نہیں, جب پیمنٹ کر رہے تھے تو پیمنٹ کی بات لکھی نہیں. آئیے تھوڑا سا اسے چینج کر لیں. تو سیلومن اینڈ کمپنی نے اس بزنس کو, اس کو بنانے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا؟ پرچیز کیا. ٹھیک ہے جی. اب پرچیز جب کیا پوائنٹ نمبر 9 میں, تو پیمنٹ کس طریقے سے کی؟ وہ کنسیڈریشن لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب بزنس کس کا ہو گیا؟ سیلومن اینڈ کمپنی لمیٹڈ کا. اس بزنس کو انہوں نے رن کیا. پھر کیا پتا لگا؟ کمپنی بہت جلدی لاسز میں آ گئی. لاسز کے بعد کمپنی کا لیکویڈیشن ہو گیا, اور ایٹ دا ٹائم آف لیکویڈیشن سارے کے سارے ایسٹس کی ویلیو 6050 پاؤنڈ بچی. اس کے بعد پیمنٹ کا طریقہ بتایا لیکویڈیٹرز نے, اور اس طریقے سے پیمنٹ کر دی. پھر سیلومن نے کیس دائر کیا کہ بھیا یہ پیسہ مجھے ملنا چاہیے, کریڈٹر شور مزار تھے, مجھے ملنا چاہیے. اور کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا. کیا ڈیسائیڈ کیا؟ کہ کمپنی کی سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے, کمپنی ایک آرٹیفیشل پرسن ہے, وہ اپنے اس کے خلاف کیس دائر بھی ہو سکتا ہے اور وہ خود بھی کیس دائر کر سکتی ہے اپنے نام سے. تو اس پورے کے پورے کانسیپٹ میں ہم نے سیکھا کہ واٹ از سیپریٹ لیگل اینٹی, اور یہ کیس تھا دوستوں سیلومن اینڈ سیلومن کمپنی لمیٹڈ, سیلومن ورسز سیلومن اینڈ کمپنی لمیٹڈ کا کیس. تو دوستوں یہ کیس لا ایک ایسا کیس لا تھا جس نے سیپریٹ لیگل اینٹی کا ایسا ادھارن پیش کیا جس کے بیسس پر آج بھی ہم سیپریٹ لیگل اینٹی کے کانسیپٹ کو سیکھتے ہیں. تو پہلا کیس لا ہو گیا دوستو, یہ میرا ہے آج کا کیس لا نمبر 1, سیلومن ورسز سیلومن اینڈ کمپنی لمیٹڈ. ٹھیک ہے جی. تو دوستوں آپ اسے نوٹ کریے, بہترین ایگزامپل تھا اس کا. میں نے آپ کے لیے پوائنٹس بھی لکھ دیے ہیں جس کے بیسز پر آپ سیریل نمبرنگ کر پائیں گے. از دیٹ کلیئر؟ اس کو نوٹ کریے, بہترین ایگزامپل. کوشچن نمبر 1 جو آپ کو دیا گیا ہے وہ سیپریٹ لیگل اینٹیٹی کا ہی دیا گیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے نوٹس میں. تو جی سیپریٹ لیگل اینٹیٹی کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے یہاں باتیں کہیں وہ سیم یہاں لکھی ہیں. ایز اٹ از سیلومن ورسز سیلومن اینڈ کمپنی کا کیس آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے بگننگ کا پیراگراف پڑھنے جا رہا ہوں, پلیز اپنے نوٹس میں دیکھیے. اے کمپنی از اے سیپریٹ لیگل اینٹیٹی اینڈ این آرٹیفیشل پرسن نون بائی اٹس نیم اینڈ اپون رجسٹریشن دی ایسوسیشن آف پرسن بیکمز اے باڈی کارپوریٹ. اب یہ باڈی کارپوریٹ یعنی ایک ایسی باڈی, ایک ایسی کارپوریٹ باڈی جو کہ رجسٹرڈ ہے, آرٹیفیشل نیچر کی ہے, بائی دا نیم کنٹینڈ ان اٹس میمورینڈم آف ایسوسیشن.
तो भैया एमओए के अंदर एक नेम क्लॉज होता है, कौन सा क्लॉज होता है, नेम क्लॉज। उस नेम क्लॉज के अंदर कंपनी का नाम लिखा जाएगा, कौन सा नाम, ये वाला। एक और क्लॉज होता है, हालांकि इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जहां जहां पॉइंट बताता जाऊं दिमाग में डालते जाइए। एक और पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स क्लॉज, यानी एसोसिएशन क्लॉज। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन क्लॉज। तो जो बिगिनिंग के ये सात मेंबर हमने यहां लिखे, उन सातों मेंबर्स के नाम यहां पर लिखे जाते हैं, और यही सात मेंबर्स जो कंपनी को बना रहे हैं ये कहलाते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। क्या कहलाते हैं, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। और उस सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, यानी या फिर कहें एसोसिएशन क्लॉज में, इन्हीं लोगों के नाम लिखे जाते हैं। तो मैंने आपको इस एमओए के क्या बता दिए, दो क्लॉज बता दिए। तीसरा क्लॉज लिखा होता है उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी ऑब्जेक्टिव। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था यहां पर, शूज का बिजनेस करना, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो ऑब्जेक्टिव लिखा होगा। केवल तीन क्लॉज मैंने आपको यहीं पर बीच में बता दिए, याद रखिएगा। पहला कौन सा, नेम क्लॉज जिसमें कंपनी का नाम। दूसरा, कंपनी के वो सब्सक्राइबर्स जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, सब्सक्राइबर्स क्लॉज। और तीसरा, ऑब्जेक्ट क्लॉज। और भी बातें करेंगे धीरे धीरे। तो जो पॉइंट हम पढ़ रहे थे मैं उसको रिपीट कराता हूं, क्या लिखा है आपके क्वेश्चन नंबर वन में। लिखा है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड आर्टिफिशियल पर्सन नोन बाय इट्स नेम। अपॉन रजिस्ट्रेशन द एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इट इज नोन बाय इट्स ओन नेम। It has own rights and liabilities. Company के rights अलग, liabilities अलग, powers अलग, obligation अलग। उसके members के rights, liabilities, powers, obligation अलग, दोनों पूरी तरह से separate है, right? Members of a company cannot be held liable for the acts of the company, क्योंकि दोनों अलग हैं भैया, इसीलिए वो एक दूसरे के act के लिए liable भी नहीं माने जाएंगे, है ना? तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी सुना दी पूरी की पूरी, अच्छी तरह से आप एक बार इसे देख लीजिए, और इसको पढ़ने के बाद ये पहला केस लॉ आपके सामने लिखा हुआ है वो एज इट इज मैंने यहां पर करवाया आपको, तो उसकी आप रीडिंग कर लीजिएगा। इसके बाद मैं अगले केस लॉ पर चलने वाला हूं, फटाफट से इसे नोट करिए, फिर हम करेंगे अपना अगला काम। जल्द से जल्द नोट करिए, ठीक है जी।
चला जाए दोस्तों आगे, कर लिया नोट? तो जी सेपरेट लीगल एंटिटी को अगर हमने समझना है तो कुछ और चीजें देखनी पड़ेंगी। ऐसा एक और केस हुआ जिसने सेपरेट लीगल एंटिटी के मैजिक को, इसके चार्म को बता दिया लोगों को कि भैया कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसके मेंबर्स पूरी तरह से अलग है। केस था ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड का, ठीक है जी, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। केस पुराना है बहुत, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी उन केसेस की वैल्यू है। कोई भी पुरानी कंपनी पुराने किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, मान लो जैसे कि आप अभी एग्जिस्टिंग कंपनी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अभी एक कंपनी है जिसको 4 साल हुए हैं रजिस्टर हुए, भैया वो तो रजिस्टर हुई थी कंपनीज एक्ट 1956 में, लेकिन क्या उन्हें हम कंपनी कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे भैया। कंपनी के अंदर हर वो कंपनी आती है जो किसी प्रीवियस लॉ में भी रजिस्टर्ड हो। कई ऐसी कंपनियां भैया जो 100 साल पहले से चल रही हैं, यानी हमारे कंपनीज एक्ट 1956 के आने से पहले रजिस्टर्ड है, यानी वो किसी ना किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड रही होंगी। तो उस समय जो केस हुए थे और कुछ ऐसे मुद्दों पर, ऐसे पॉइंट्स पर केस हुए जिनकी वैलिडिटी आज भी है, तो हम उनको आज भी कंसिडर करेंगे और आने वाले समय तक करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब कंपनी की डेफिनेशन आएगी ना, तो वो लिखेंगे कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज वेल एज प्रीवियस कंपनीज एक्ट्स, ठीक है। तो मैं फिर एक बार आपके सामने नया केस लेकर आता हूं, ठीक है। एक थे मिस्टर ली, अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर, मतलब ऑलमोस्ट ऑल शेयर्स इसी के पास थे। क्या वर्ड्स कहे मैंने? मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे, ऑलमोस्ट ऑल शेयर्स इसी के पास थे। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी यही था मिस्टर ली, ठीक है जी, कंपनी का एमडी भी यही, एयर फार्मिंग करती थी ये कंपनी। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था? एयर फार्मिंग। एयर फार्मिंग जानते हो क्या होती है? नहीं सर, आप बता दो। अच्छा जी बता देते हैं। तो एयर फार्मिंग कंपनी क्या करती है? ये फार्मिंग करती है विद द हेल्प ऑफ प्लेन्स। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, विद द हेल्प ऑफ प्लेन्स फार्मिंग हो रही है? यस, छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं और बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स, जहां पर लोग कम होते हैं भैया, वहां पर मशीनें काम करती हैं। पता लगा जी एक व्यक्ति ने एयर फार्मिंग की एक कंपनी खोल ली, लोग उसके पास आते हैं, जी हमारे फार्म्स में आके ये दवाई छिड़क दो। कैसे? ऊपर से प्लेन जाएगा छोटा सा उनका, और सब जगह पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स छिड़कता हुआ निकल जाएगा, सीड्स डालता हुआ चला जाएगा। मतलब ऐसे कई काम हैं जो एयर फार्मिंग के थ्रू हो सकते हैं। अब जो मिस्टर ली थे, ये एमडी होने के साथ साथ कंपनी का प्लेन भी चलाते थे, छोटा, चीफ पायलट थे, चीफ पायलट, यानी एक तरह से एम्प्लॉई की तरह काम कर रहे थे। चीफ पायलट तो भाई कंपनी का एम्प्लॉई हो गया ना। अब हुआ क्या, पता लगा एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिल गया,
उस कॉन्ट्रैक्ट में इनको क्या करना था, एयर फार्मिंग करके देनी थी। अब ये हमारे अभी कहना, ये मत कहना मछली लग रही है सर, जैसा बना है मान लो कि ये प्लेन है, ठीक है ना, कुछ रह गया, डिजाइन बना लेते हैं इसका थोड़ा सा। तो जी पता लगा कि इसके अंदर ये मिस्टर ली बैठे हुए हैं और इसका हो गया क्रैश। फार्मिंग करते वक्त ही पता लगा कि एयरप्लेन क्रैश हो गया, बंदा स्वर्ग सिधार गया। अब कंपनी के क्रेडिटर्स भी आ गए, कंपनी के और लोग भी आए, वर्कर्स थे, उन सब ने कहा जी ये मिस्टर जो ली काम कर रहे थे, ये काम तो कर रहे थे कंपनी का, मान ली ये बात, कंपनी के एम्प्लॉई कैसे मान सकते हो आप, एमडी भी हैं, एक तरह से लोगों को ये जॉब देते हैं, एम्प्लॉयर भी हैं और एम्प्लॉई भी, इतने में मिसेज ली आ गई। मिसेज ली आ गई और कहती हैं, लाओ जी लाओ मेरे हस्बैंड इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉई थे, कंपनी जो थी ये ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, इस सब ने अपने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस कराई हुई थी, ठीक है कि नहीं, और क्योंकि ये कंपनी है इसलिए भैया इसको अपने वर्कर्स को कंपनसेट भी करना पड़ेगा अगर उनका कोई नुकसान हुआ कंपनी की जॉब करते करते। तो कंपनी ने कहा भाई ठीक है, हम तो अपने एम्प्लॉयज को क्या देंगे, एम्प्लॉई को कंपनसेशन देंगे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मिसेज ली कहती है यस मुझे क्या मिलना चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन, एम्प्लॉई थे वो तो, मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने पर मुझे तो वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन चाहिए, उनकी डेथ हो गई, डेथ हो गई है तो मुझे तो ये पैसा चाहिए। अब सवाल ये आया कि जी क्या उन्हें ये कंपनसेशन मिलना चाहिए। कोर्ट में जब ये केस गया तो जज साहब ने कहा कि जी लोग कह रहे हैं कि ये खुद ही एम्प्लॉयर हैं और खुद ही एम्प्लॉई, और एक व्यक्ति एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कैसे हो सकता है भाई। जज साहब ने कहा ऐसा है, सुनो भैया ये एमडी तो है मगर ये एम्प्लॉयर नहीं है, लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है किसके बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो ये काम कर नहीं सकती थी, इसीलिए लोगों को रखने का काम कौन करता था, ये मिस्टर ली जो कि शेयर होल्डर भी था, तो ये एम्प्लॉयर नहीं है किसी भी हाल में। एम्प्लॉय अगर किया गया है तो इस कंपनी ने एम्प्लॉय किया है, एम्प्लॉयर कौन है, कंपनी है, कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स पूरी तरह अलग होते हैं, भले ही ये पर्सन एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज उसके पूरी तरह अलग हैं, कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो एम्प्लॉयर ये खुद नहीं था, हां ये कंपनी का एम्प्लॉई जरूर था, और अगर ये एम्प्लॉई था तो इसकी डेथ पर, यानी इस बिजनेस में जो ये कंपनी का काम करते करते एक्सपायर हुआ है तो उसके बदले में इसकी फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो भैया जो मिसेज ली ने, ये ली कौन है, मिसेज ली, केस फाइल करने वाले का नाम पहले लिखा गया, तो मिसेज ली को अपने हस्बैंड की डेथ पर ये वर्कमैन कंपनसेशन भी दिया गया, किस बेसिस पर, कि कंपनी और कंपनी के मेंबर जो है, शेयर होल्डर जो बने हैं, भले ही वो मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर हो, बहुत सारे उनके पास शेयर्स हैं, फिर भी
कंपनी अलग है, कंपनी का ये मेंबर अलग, वो कंपनी के पास इंप्लॉई के रूप में काम कर रहा था, उसकी डेथ हो गई और उसे अब क्या मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। यानी एक और केस ऐसा हुआ जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी के हमारे इस दूसरे केस को जानने में, दूसरे पॉइंट को जानने में मदद की। तो मेरे दोस्तों केस नंबर 2 ये आपकी बुक में भी लिखा है, फैक्ट्स ऑफ द केसेस आपके सामने है एज इट इज, जो मैंने आपको यहां बताए, फटाफट से इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा और हम चलेंगे फिर आगे। तीसरा केस जो आपके सामने दिया गया है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन का काम खत्म। ठीक है, नोट करिए प्लीज। चला जाए जी आगे, केस नंबर 3, बहुत ही बढ़िया केस। इसने भी सेपरेट लीगल एंटिटी के इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह जानने में हमारी मदद की और अब आप जानेंगे तो आपकी भी मदद होगी। आइए तीसरा केस देखा जाए। ठीक है जी, तो अब एक थी मिसेस गुजदार, अब इन्होंने कहा जी ऐसा है मेरे पास तो पैसा बहुत है, इन्वेस्टमेंट भी कर देती हूं, और इन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट किया एक ऐसी कंपनी में जिस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस जो था ना, नेचर ऑफ बिजनेस वो क्या था, एग्रीकल्चरल नेचर का, किस नेचर का था, एग्रीकल्चरल नेचर। तो भैया जो इनकम आती थी वो भी कैसी आती थी, इस बिजनेस से जो इनकम आई वो इनकम भी कैसी थी, एग्रीकल्चरल नेचर की। अब एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो तो भैया पूरी तरह क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लगता ही नहीं है भैया उस पर। तो कंपनी ने काम किया, खूब पैसा कमाया और ये एग्रीकल्चर इनकम एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। बोलो ठीक बात है कि नहीं। अब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को क्या करती है, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन करती है किसमें, अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। क्या ये बात ठीक है कि नहीं, अपने शेयर होल्डर्स में वो क्या करती है, शेयर होल्डर्स में इन प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो कंपनी में, कंपनी ने जब शेयर होल्डर का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है क्या बोलते हैं हम इसे, डिविडेंड। क्या बोलते हैं,
डिविडेंड। अब ये जो इन्वेस्टमेंट किया किसने किया, शेयर्स ने किया, तो भैया डिविडेंड भी किसको मिला, मिसेस गुजदार को मिला, जाहिर सी बात थी। मिसेस गुजदार के पास जब डिविडेंड का पैसा आया तो इन्होंने उस इनकम पर कोई टैक्स नहीं दिया, और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक बात चली गई कि जी ये मैं पैसा नहीं दूंगी। मिसेस गुजदार कहती है मैं क्यों पैसा दूं, ये तो मेरी फ्री की इनकम होनी चाहिए। पुराने समय में डिविडेंड पर भी टैक्स लगता था, आज की डेट में इंडियन कंपनी से रिसीव किए गए डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन पुराने समय में लगता था। ठीक है जी, तो उसने कहा जी ऐसा है कि ये डिविडेंड जो मिला है ये किस इनकम पर मिला है, एग्रीकल्चरल नेचर की इनकम, इस इनकम को हम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कहते हैं, और वही इनकम तो मुझे मिली है, उसी इनकम को तो मुझे दिया गया, तो ये इनकम भी क्या होनी चाहिए, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो भैया मैं तो इस इनकम पर टैक्स नहीं दूंगी, बहुत पुराना केस है ये। तो मिसेस गुजदार रिफ्यूज्ड टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम। मैं इस पुराने केस की बात जो बता रहा हूं आपको, उस समय डिविडेंड टैक्स फ्री इनकम नहीं हुआ करती थी, ठीक है, उस टाइम की बात है। तो इन्होंने मना कर दिया और केस चला गया कोर्ट के पास। इन्होंने कहा जी ऐसा है मैं तो ये पैसा दूंगी नहीं, जो करना है कर लो और रीजन सुन लो मुझसे। तो नाम क्या था, बच्चा एफ गुजदार, और केस फाइल कर दिया इन्होंने किसके खिलाफ, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के खिलाफ, कि इन्होंने जी मुझसे टैक्स ले लिया है, इस इनकम पर मेरा टैक्स लगना नहीं चाहिए। कोर्ट ने कहा मैडम ऐसा है, आप जो कह रही हैं ना कि ये इनकम एग्रीकल्चरल नेचर की है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, और उसी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ है, लेकिन वो आपको क्यों मिला, आपको वो कंपनी ने इसलिए दिया क्योंकि आपने उनमें, आपने कोई एग्रीकल्चरल नेचर का काम नहीं किया, आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट की है, यानी एक तरह से जो आपको डिविडेंड मिला ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। ये कैसी इनकम है दोस्तों, ये आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो जब जज साहब ने बोला जी आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो कहती है क्यों देना पड़ेगा, कंपनी और मुझ में फर्क ही क्या है। जज साहब ने बोला ऐसा है, सुन लो जी, कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर पूरी तरह से अलग हैं। जो एग्रीकल्चरल नेचर की इनकम कमाई है वो कंपनी ने कमाई है, आपकी आइडेंटिटी में और कंपनी की आइडेंटिटी में पूरी तरह बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपको जो इनकम मिली है वो इन्वेस्टमेंट नेचर की इनकम मिली है, कंपनी आपसे पूरी तरह सेपरेट है, और कंपनी ने ये एग्रीकल्चरल नेचर का काम किया है, इसीलिए कंपनी को मिलने वाली इनकम ही एग्जेम्प्ट होगी, ना कि आपको मिलने वाली इनकम जो कि कैसे नेचर की है, इन्वेस्टमेंट नेचर की। इसीलिए मिसेस गुजदार को टैक्स देना पड़ा, और यही साबित हो गया कि कंपनी अलग और उसके शेयर होल्डर अलग। तो भैया तीसरा केस लॉ हमने कर लिया, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है जी, और पढ़ भी लीजिएगा, आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा जल्द से जल्द फटाफट से आप इसकी रीडिंग भी करिए, इसको नोट करिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नोट करिए,
चलें जी आगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन तो दोस्तों हो गया फिनिश, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू की ओर। हमने इसी क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी पढ़ लिए जो हमें कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। ठीक बात है कि नहीं? कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, ऐसे कई पॉइंट्स पढ़ लिए हमने। जैसे कि पहला पॉइंट, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, क्वेश्चन नंबर टू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी का एक अलग से नाम बन गया। ठीक बात है कि नहीं? यानी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही उसका क्या हो जाता है? उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। इसका मतलब ये कंपनी एक ऐसी एंटिटी है जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया। क्या किया गया? इनकॉर्पोरेट। तो ये क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्यों है भैया? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इसलिए है क्योंकि इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया। कहां पर? कंपनीज एक्ट में। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट बाय कंप्लाइंग विद द फॉर्मेलिटीज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, और उसके बाद क्या हो जाती है? कंपनी फॉर्म हो जाती है। फिर एक बात लिखी थी मैंने कि कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, मगर नेचुरल नहीं। ठीक बात है कि नहीं? मैं कंपनी को फिक्टिशियस नहीं कह सकता, काल्पनिक नहीं कह सकता, क्योंकि कल्पना वो होती है जहां कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मगर यहां इसकी एग्जिस्टेंस है, लॉ में इसकी एग्जिस्टेंस है। यानी कंपनी जो है कैसी है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है, फिक्टिशियस पर्सन नहीं है, मगर इसकी लीगल एग्जिस्टेंस है, इसीलिए क्या है? ये आर्टिफिशियल पर्सन। आइए देखें दूसरा पॉइंट लिखा है, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड अंडर लॉ, देयरफॉर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन। क्या ये बात समझ आई? उसके बाद हमने क्या सीखा था? इतना बड़ा क्वेश्चन हमने किया सेपरेट लीगल एंटिटी का, कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है, दोनों के राइट्स, पावर, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन सब अलग है ना, एसेट लायबिलिटी सब अलग। आइए पढ़े। थर्ड लिखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट हैज इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। क्या ये बात समझ आई? ये पॉइंट सारे के सारे हम कर चुके हैं। अब क्योंकि कंपनी अलग है, कंपनी के राइट्स, एसेट्स, पावर्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस सब अलग है। क्या वर्ड बोले मैंने? कंपनी और उसके मेंबर्स के राइट्स अलग हैं, कंपनीज एंड मेंबर्स के राइट्स अलग हैं। राइट के साथ क्या आती है? क्या आता है? ड्यूटीज। एसेट्स के साथ क्या है? लायबिलिटीज।
powers, obligations, कंपनी के राइट्स उसके मेंबर के राइट से अलग हैं। कंपनी की ड्यूटीज कंपनी के मेंबर्स की ड्यूटीज से अलग हैं। कंपनीज के एसेट्स मेंबर्स के एसेट्स से अलग हैं। कंपनीज की लायबिलिटी मेंबर्स की लायबिलिटी से अलग है। कंपनी की पावर्स मेंबर की पावर्स से अलग हैं। कंपनी के ऑब्लिगेशंस कंपनी के अपने से मेंबर्स के ऑब्लिगेशन से अलग हैं। इसका मतलब हर चीज क्या हो गई भैया, सेपरेट। क्या ये बात समझ आई या नहीं? ये क्या है, सेपरेट। ये छह की छह चीजें क्या है, सेपरेट है। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? अब मैं अगर एसेट्स की बात करूं यानी प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब कंपनी अलग है भैया। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ साथ कंपनी की प्रॉपर्टी भी अलग होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी। अनिल अंबानी ने मान लो 50 करोड़ रुपए अपने लगाए हुए हैं कंपनी में, फॉर एग्जांपल, और वो जिस ऑफिस में बैठा है और वो ये कहता है कि भैया ये ऑफिस मेरा है, मेरे इसमें 50 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, वो ये बात नहीं कह सकता। इतना पैसा लगाने के बावजूद, कई हजार करोड़ लगा लो भले, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। वो प्रॉपर्टी उस शेयर होल्डर की या मेंबर की नहीं है, वो प्रॉपर्टी कंपनी की है। कंपनी को आपने पैसा दिया हुआ है, एक तरह से आप कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। कंपनी वो पैसा आपको वापस करेगी, मगर आपने जब पैसा कंपनी को दिया, वो पैसा कंपनी का हो गया। उस पैसे का आप कंपनी जो मर्जी करे भैया, वो पैसा भी कंपनी का है, उससे खरीदी गई प्रॉपर्टी भी कंपनी की है। कोई मेंबर ये कह नहीं सकता कि इस प्रॉपर्टी में मेरा इतना हिस्सा है। हां, वो ये जरूर कह सकते हैं कि कंपनी से जितना पैसा लेना है उस टोटल में इतना हिस्सा मेरा है। एसेट में नहीं बोल सकते, कंपनी अपने नाम से अपनी प्रॉपर्टी खरीदती है। आइए पढ़े सेपरेट प्रॉपर्टी क्या लिखा है। अ कंपनी कैन ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी इटसेल्फ एंड नॉट टू द मेंबर्स। मेंबर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, देयरफॉर दे हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। क्या ये बात समझ आई? तो भैया सीधी सीधी बात है, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम की प्रॉपर्टी है, मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, भले ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया हो। और यही सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बताती है कि ये खुद अपने नाम से केस फाइल कर सकती है और इसके खिलाफ भी केस दायर किया जा सकता है। कैन सू और बी सूड। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को या नहीं? तो ये है दोस्तों कहानी, सू और बी सूड का पॉइंट पढ़ लेते हैं। कैपेसिटी टू सू और बी सूड, आइए पढ़ें इसे। पॉइंट नंबर 5 को लिखा है, कंपनी कैन सू अदर्स एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। द क्रेडिटर कैन मेक देयर क्लेम ओनली अगेंस्ट द कंपनी एंड कैन नॉट मेक दोज क्लेम्स अगेंस्ट द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कभी भी नहीं, ऐसा नहीं। शर्मा जी के पड़ोसी ने ना रिलायंस में पैसा दिया हुआ था उधार, अब वो पैसा लेने गए, रिलायंस ने पैसा दिया नहीं, मान लो उसे। शर्मा जी को याद आया, अरे उनका जो पड़ोसी है ना, उसने इस कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए, पैसा लगाया हुआ है, वर्मा जी। पहुंच गए वर्मा जी के पास, हां जी वर्मा जी बोलो, आप रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर हो या नहीं? कहते हैं हां जी हां बिल्कुल हूं, इतना पैसा मेरा लगा हुआ है, और अगर आपने इसमें पैसा लगाया है तो भैया एक तरह से कहीं ना कहीं तो आपकी ओनरशिप है इस कंपनी में। कहते हैं हां जी हां बिल्कुल, इतने शेयर्स की ओनरशिप है, पकड़ लिया, निकालो मेरा पैसा, मैं जाता हूं रिलायंस में, वो मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाते, वो तो पैसा मैं आपसे लूंगा।
क्या ये पैसा वो अपने इस पड़ोसी शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस से क्लेम कर सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी अलग है, उसी तरह भैया ऑब्लिगेशन भी अलग है। ये कंपनी का ऑब्लिगेशन है, कंपनी की लायबिलिटी है टू पे मिस्टर शर्मा। शर्मा जी मेंबर के पास यानी वर्मा जी के पास नहीं जा सकते कि लाओ मेरा पैसा निकालो। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है जी, चला जाए आगे। फिर मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, खुद तो ये काम कर नहीं सकती। बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं इसके, बहुत सारे। रिलायंस के कितने शेयर होल्डर्स होंगे? हजारों लाखों शेयर होल्डर्स हैं। आप भी मान लीजिए शेयर्स खरीद लेते हैं तो क्या डायरेक्टर बन जाएंगे, कंपनी को चलाने लग जाएंगे आप? ऐसा नहीं होता दोस्तों। कंपनी को चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और पैसा भी चाहिए। आपने भले उसमें पैसा लगा दिया मगर उसको चलाने के लिए आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज की भी तो जरूरत है। तो कंपनी जो है एक तरह से ओनरशिप उसकी अलग है, यानी लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, वो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं उस हिस्से के। मगर जरूरी नहीं कि वो बिजनेस चलाए। हां अगर उन्हें नॉलेज है, पैसा भी लगाया भाई, तो जरूर वो चलाएंगे उस बिजनेस को। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी को चलाने वाले लोगों को इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन होता है उनका, मीटिंग ऑफ मेंबर्स बुलाई जाती है, सारे मेंबर्स आ गए जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड शेयर होल्डर हैं, सॉरी फिक्स्ड डायरेक्टर्स हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। यानी वो डायरेक्टर जो परमानेंट डायरेक्टर है भाई, उनको नहीं हटा सकते, उनका तो पैसा ही बहुत ज्यादा लगा हुआ है। जैसे कि अनिल अंबानी को रिलायंस से हटा देना, डायरेक्टरशिप से हटा देना, अभी तो पॉसिबल नहीं है भाई, उसका तो बहुत पैसा लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं जो उस कंपनी को चलाने में मदद करते हैं, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी के डायरेक्टर हैं जिन्हें बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस है। तो टोटल डायरेक्टर्स जितने भी होते हैं, उन टोटल डायरेक्टर्स के अंदर कुछ डायरेक्टर ऐसे जो फिक्स्ड होते हैं, परमानेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इलेक्शन के थ्रू हर साल बदला जा सकता है। दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ओनरशिप अलग है मगर मैनेजमेंट के लिए किसी और लोगों को हायर किया जा रहा है। हो सकता है कि ओनर मैनेज भी करे मगर यह जरूरी नहीं। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहां सेपरेट ओनरशिप है और सेपरेट मैनेजमेंट भी। क्या वर्ड्स गए मैंने? सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी, मैनेजमेंट अलग, ओनरशिप अलग, चलाने वाले कंपनी को अलग, ओनरशिप अलग। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी के हर बार ऐसा होगा। कुछ ओनर ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिजनेस चलाना आता है भाई, बोलो हाँ या ना। तो भैया वो मैनेजर भी होंगे, मैनेज भी करेंगे, डायरेक्टर बनेंगे कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, वो इस कंपनी को चलाएंगे। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल होगा ऐसा। कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे मगर कंपनी के नाम से। कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो कंपनी के नाम से करेंगे यही मैनेजर्स, और उस पर साइन भी कंपनी के ही होंगे। तुम कहोगे यार कंपनी तो वही आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके साइन कहां से आए? तो दोस्तों कंपनी की एक कॉमन सील बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कॉमन सील यानी स्टैंप, जिस पर कंपनी का नाम लिखा होता है। ठीक है जी, एनग्रेव्ड होता है और उसको स्टैंप के रूप में इस तरह से लगाया जाता है और उसके ऊपर फिर डायरेक्टर साइन करते हैं। यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिस पर कॉमन सील ना हो, जहां रिक्वायर्ड है, तो यह मान लिया जाता है कि वो कंपनी ने किया ही नहीं। कंपनी के सिग्नेचर है भाई, आइए पढ़ लें इन दोनों पॉइंट को, बुक में से अपने नोट्स में से पढ़ते हैं। तो भैया 6 लिखा है, पॉइंट नंबर 6, ownership and management is separate. आइए इसको पढ़े। The members of a company do not participate in the day-to-day affairs of the company.
The company is managed by elected representatives of the shareholders known as directors. The directors are appointed as well as removed by the shareholders. ठीक है जी, सातवां पॉइंट कॉमन सील का पॉइंट. आइए देखें, अ कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. एनी डॉक्यूमेंट ऑन विच द कॉमन सील इज अफिक्स्ड इज डीम्ड टू बी साइंड बाय द कंपनी. ये मान लिया जाता है कि कंपनी ने ही क्या किए हैं दोस्तों, सिग्नेचर उसमें किए हैं. ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना. आज आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, रिलायंस के आप शेयर होल्डर हैं भाई, पॉसिबल है. ठीक है जी, पैसा लगा दिया आपने, आपको जब तक अच्छा चल रहा है काम, जब तक आपको लग रहा है कि हां आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए, आपने पैसा लगाया हुआ है. अगर आप चाहें कि मैं वो पैसा रिडीम करना चाहता हूं, मान लो इक्विटी शेयर है, तो क्या कंपनी को वापस करके क्या वो पैसा मिल सकता है? लो जी इक्विटी शेयर ले लो, अपना पैसा दे दो. कभी भी नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं. इक्विटी शेयर के पैसे की वापसी कंपनी लाइफ टाइम में नहीं करती, यानी ये पैसा लाइफ टाइम में कभी भी कंपनी वापस नहीं करेगी. कुछ एक्सेप्शन है और आने वाले समय में हम उसकी बातें करेंगे, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें, इक्विटी शेयर का पैसा कभी भी वापस नहीं मिलता. तो भैया क्या किया जाए? तरीका यह है कि आप अगर उस पैसे को वापस लेना चाहते हैं, अपने उन शेयर्स को बेचना चाहते हैं, तो कंपनी ना सही लेकिन पब्लिक में कोई ना कोई शेयर्स खरीद लेगा भाई, अगर पब्लिक कंपनी है तो. अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में भी ट्रांसफरेबिलिटी होती है शेयर्स की, आप शेयर्स बेच सकते हैं, मगर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. पब्लिक में नहीं बेच सकते, गिने चुने लोगों को बेच सकते हैं, मगर ट्रांसफरेबल तो है. यानी कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होगा, आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखे होते हैं? कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्या लिखे होते हैं? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंपनी चलाई कैसे जाएगी, तो उसी में लिखा होगा कि भैया ट्रांसफरेबल शेयर्स हैं तो कैसे हैं. तो आज अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर रहना चाहते हैं तो रहिए, और अगर नहीं रहना चाहते तो भैया अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स दोनों में है, पब्लिक कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी में भी. एक और तरह की कंपनी आ गई है, वन पर्सन कंपनी. हम बात करेंगे उन सब चीजों के बारे में. नए एक्ट में जो एडिशन हुआ है उसके बारे में जगह जगह पर आपको बताया जाएगा कि क्या चीज नई आई है, न्यू आई है. ठीक है जी, तो भाई ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बातें अगर मैं करूं तो ट्रांसफरेबल है भाई, इजीली शेयर्स अपने बेच दो, पैसा ले लो. पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शंस, सम रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड, उन रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहकर ट्रांसफरेबल है, मगर आप उन शेयर्स को बेच सकते हैं. क्या ये बात समझ आई? तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफरेबल है, उन पर प्रोहिबिशन नहीं है ट्रांसफर पर, मगर रिस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है जी, तो इसमें दो बातें आई, कंपनी के शेयर्स आप बेचना चाहते हैं बेचिए, पब्लिक कंपनी के शेयर्स आपके पास फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप स्टॉक मार्केट में आराम से बेचिए, कोई दिक्कत नहीं. अपने पड़ोसी को बेच दीजिए, जिसको जानते हैं उसे बेच दीजिए. लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट कंपनी की, तो उसके शेयर्स भी ट्रांसफरेबल हैं, मगर विद सम रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशन नहीं है. इज दैट वेरी क्लियर? आइए पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 8. लिखा क्या है? लिखा है द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रांसफरेबल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस बट नॉट प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. क्या ये बात समझ में आती है? आइए चला जाए आगे, 9th पॉइंट करवाने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक बार क्या हुआ, एक कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई गई, एजीएम. मान लो उसके 500 मेंबर थे, 500 के 500 मेंबर उस मीटिंग में आए और वहां ब्लास्ट हो गया, एक भी मेंबर नहीं बचा,
सारे आए थे सारे के सारे भगवान को प्यारे। अब क्या किया जाए भाई बताइए, कंपनी बचेगी या नहीं बचेगी? सारे के सारे एक्सपायर हो गए हैं, कोई भी नहीं बचा। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल, चार दोस्तों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी शुरू कर ली, पैसा कमाया, खूब कमाया, एक साल हो गया, बहुत पैसा आ गया, प्रॉफिट आ गया, कहते हैं चलो भाई चलो चले हम शिमला घूमने। गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी गिर गई खाई में, चार के चार समाप्त, सारे के सारे मेंबर भी खत्म, बताइए कंपनी बची के खत्म हो गई? तो दोस्तों क्या कंपनी बचेगी सवाल ही आता है, सुन लीजिए। कंपनी का जन्मदाता ही कंपनी का मृत्युदाता भी है। क्या वर्ड्स बोले मैंने? कंपनी का जन्मदाता ही कंपनी का मृत्युदाता भी है। कंपनी का जन्म किसने किया? कंपनीज एक्ट ने। तो भैया कंपनी को मृत्यु यानी उसका लिक्विडेशन भी कौन करेगा? कंपनीज एक्ट। और कोई कंपनी को बंद नहीं करेगा। यानी कंपनी के बंद होने का तरीका कहां लिखा गया भाई? कंपनीज एक्ट में उन तरीकों के अनुसार कंपनी को बंद किया जाएगा। मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग। परपेचुअल, परपेचुइटी है, कॉन्टिन्यूटी है, कंपनी लगातार चलती रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेंबर आए या जाए। जैसे कि ट्रांसफरेबिलिटी में आपने देखा, आज मिस्टर एक्स मेंबर है, एक्स ने अपने शेयर वाई को बेच दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा भैया, पहले एक्स थे चले गए, वाई आ गए, वाई ने अपने शेयर जेड को बेचे, वाई गए जेड आ गए, कंपनी विल रिमेन इन द सेम लेवल, चलती रहेगी कंपनी, मेंबर के आने जाने से कोई असर नहीं पड़ता। मगर आप सवाल ये करेंगे, सर ये तो ठीक है ट्रांसफरेबिलिटी में कंपनी चलती रहेगी, मेंबर आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अभी तो आपने कहा था जी सारे के सारे एक्सपायर हो गए, कोई भी नहीं बचा, तो कंपनी को चलाएगा कौन? तो दोस्तों सुन लो, परपेचुअल सक्सेशन है यहां। अब ध्यान से सोचना, मान लो एक कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं, यानी आपने क्या की हुई है? इन्वेस्टमेंट। जहां आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है आपके वो हैं एसेट। बोलिए हाँ या ना? यस। यानी इन सभी मेंबर्स ने भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उस कंपनी में, जो सारे के सारे एक्सपायर हो गए, उनके पास भी तो शेयर्स होंगे, यानी वो क्या थे? उनके एसेट्स। वो सारे के सारे एसेट्स अब किसके पास आएंगे? किसी भी व्यक्ति के एक्सपायर हो जाने के बाद वो सारे के सारे एसेट्स उनके लीगल हेयर्स के पास आ जाते हैं। क्या ये बात ठीक है या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीगल हेयर्स हैं अब वो इस बिजनेस को चलाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? अब आप समझ गए कि कंपनी के अंदर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी के शेयर्स क्योंकि ट्रांसफरेबल भी हैं अपनी मर्जी से, और अगर कोई एक्सपायर हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाते हैं। यानी एक्सपायर हो जाने के बाद ट्रांसफर नहीं होता, उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। यानी कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन हमें यह बताता है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी विल स्टिल बी देयर, कंपनी विल रन फॉर एवर अनलेस और अंटिल लिक्विडेटेड बाय द प्रोसेस गिवन इन कंपनीज एक्ट। आइए बढ़ा जाए पॉइंट नंबर 9। अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन मींस इट हैज कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस। Does death, insolvency or insanity of members does not affect the existence of the company. Life of the company does not depend upon the life of its members. A company can never die, although members may come and go, but the company goes on forever. क्या ये बात क्लियर हुई? तो पॉइंट नंबर 9 हमने पढ़ लिया, पॉइंट नंबर 10 की ओर आता हूं, जो इसका लास्ट पॉइंट हमने पढ़ना है, और वो है मेरे दोस्तों पॉइंट नंबर 10, लिमिटेड लायबिलिटी। कौन सा है? लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। मैं आपको एक बात बता दूं,
कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है जी, आज मैं इस पॉइंट को ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? जब हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी, तो उस समय हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपके नोट्स में जो भी जरा सा पॉइंट लिखा है, मैं चाहता हूं हम इसे एक ही बार में डिटेल में डिस्कस करें। तो आप एक काम करें, इस पॉइंट पर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दें। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय, ये सब कॉम्बिनेशन वगैरह हम सीखेंगे, लेकिन आज इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 में इसका डिस्कशन होगा अच्छी तरह से। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छी तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। ये जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल एज इट इज आपके सामने आंसर दिए गए हैं। इसी तरह आप प्रिपेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।